हम लोग पढ़ नहीं पाते, वर्षा होती है तो भीग जाते हैं, कपड़ा उपड़ा सब भीग जाता है, बैग कॉपी का क्या करें। इसको बनवा दे, ये गिर जाएगा तो हम लोग मर जाएं। बताते तो बहुत हैं कि हम बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत व्यवस्था करती हैं, लेकिन हम लोग इस कच्चे मकान में ही पढ़ रहे हैं। सरकार किसी भी पार्टी की हो, शिक्षा रोजगार के क्षेत्र में कोई कार्य करना नहीं चाहती। सुविधाओं के नाम पर कॉपी किताबें उपलब्ध कराकर जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, चाहे भवन निर्माण का कार्य हो, खेल मैदान, सभी में भ्रष्टाचारी अपनी तिजोरी भर रहे हैं। हद तो यह हो गई कि अब शिक्षा के गिरते स्तर और भ्रष्टाचार के चलते शिक्षा के नाम पर करोड़ों का खर्च करने वाली सरकार भवन तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है। ताजा मामला जवा तहसील का है, जहां आज भी आदम बाबा के जमाने के खपरेल घरों में विद्यालय संचालित हो रही है। आइए दिखाते हैं विद्यालय की कुछ तस्वीरें और सुनाते हैं छात्र छात्राओं को कैसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। माने ये जो जीव होते हैं ये किसी दूसरे जीव के सहारे रहते, जैसे कि झूमत मारे पड़ गए गिरी हुई आश्रित को झूमत कहते हैं। झूमत होती है और वही झूमत के शरीर में जाके जैसे उसमें वो फंस गई उसका इधर रख दिया वही हम लोग पढ़ नहीं पाते, वर्षा होती है तो भीग जाते हैं, कपड़ा उपड़ा सब भीग जाता है, बैग कॉपी का क्या करें। कहना चाहेंगे कि ये बनवा दो, ये बहुत बेकार है, बारिश होती है तो ये सब भर जाता है, हम लोग कहाँ बैठे। सर जी वर्षा होती है तो ये गीला हो जाता है और हम लोगों को कहाँ जाएं, कैसे जाएं, बैग वैग सब भीग जाता है। कहेंगे कि इसको बनवा दे, ये गिर जाएगा तो हम लोग मर जाएं। जब बारिश होती है तो यहाँ चूने लगता है, इसलिए हम लोग दूसरे मकान में जाते हैं। हमारी कापी किताब भी भीग जाती है पूरी, चूने लगता है तो स्कूल भी आना बंद हो जाता है। हम ये मामा से कहना चाहते हैं कि जल्द ही मकान बनवाने की कृपया करें, और बताते तो बहुत हैं कि हम बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत व्यवस्था करती हैं, लेकिन हम लोग इस कच्चे मकान में ही पढ़ रहे हैं। खपड़ा गिरने का कोई भरोसा नहीं है, कब गिरे जाए कब नहीं गिर जाए। यहाँ पानी बरसता है, हमारे लोगों की किताब भीग जाती है, खड़े होने की जगह नहीं है। हम लोग प्राइमरी स्कूल में जाते हैं खड़े होने के लिए। हम ये कहेंगे कि हमारी स्कूल मतलब अच्छे से बनवाई जाए। वर्षा लगा था तो लड़कियन का भगवा दिए था, छुट्टी दे जाए थे, पानी में कहाँ लड़का पढ़ा, कुछ किचन नहीं बना। सर जी का करी, पानी बरसा लग तब भी टाड़ना, खाना ना बना तो चारू मुँह कहे जाई, ये समस्या से हमारे पत्ते ऊपर ही। अब यह कहना चाहिए था और का कही सा है, युवा था लड़कों को छुट्टी दे था, नहीं पढ़ाई पाते लड़का, पानी बारिश में खाना नहीं बन पावा था, ऐसे में नहीं बनवा था खाना। समस्या है भारी यही बिल्डिंग की, बिल्डिंग नहीं बन रही है। आश्वासन दिए हैं कई बार 1972 से, वैसे ही बिल्डिंग है, पुराना है, खपड़ा का है, कब गिर जाए। पुरानी बिल्डिंग है, बैठने के लिए जगह नहीं, बारिश होती है तो पानी भर जाता है पूरा। और इतना शिवराज सिंह जी आश्वासन देते हैं और ये बिल्डिंग नहीं बनवा पा रहे हैं। विद्यालय 1972 से चल रहा है, यहाँ पर बच्चों को बैठने में इतनी दिक्कत हो रही है कि बरसात के समय में पानी भर जाता है, बच्चों का कापी किताब झोला सब भीग जाता है, बच्चे भाग भाग करके दूसरी जगह शरण लेते हैं। और आज तक विद्यालय में न ढंग से मरम्मत हो रही है, खपड़ाला मकान है, कब दीवार गिर जाए कब खपड़ा गिरे ये कोई जानकारी नहीं है बरसात के समय। माननीय मुख्यमंत्री जी से खाली यही कहना है कि ये जूनियर विद्यालय जो बना है तो जूनियर विद्यालय कम से कम बिल्डिंग बनवाई जाए, और उसके साथ इसकी मरम्मत हो सके तो मरम्मत करवाई जाए, जिससे बच्चों का भविष्य आगे सुरक्षित रहे, किसी तरह की अनहोनी ना हो यहाँ पर। विभागीय आवेदन करते रहते हैं, मास्टर लोग सरपंच पंचायत से अपने ऐसी छवाई फिराई करवा देते हैं इसकी,
बाकी वैसे मरम्मत कुछ नहीं हुई, नए बिल्डिंग का भाई अभी कोई प्रस्ताव आया है। अब हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करेंगे कि कम से कम पूर्व माध्यमिक विद्यालय की बिल्डिंग बन जाए, जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, कोई अनहोनी ना हो यहाँ पर कि किसी प्रकार की समस्या हो। उसके साथ साथ यहाँ न रसोई की व्यवस्था है, रसोई भी बनना चाहिए यहाँ पर, यहीं पर खाना ग्राउंड में आप लोग देख रहे हैं कि बन रहा है।